हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो हमारी है हाउ टू डू नेल आर्ट विद द हेल्प ऑफ ब्लूमिंग जेल। ब्लूमिंग जेल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और हम कैसे इसके साथ नेल आर्ट करते हैं उसको यूज़ करके, वो मैं आज आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलेगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, बिफोर जेल पॉलिश हमने अपने नेल को अच्छी तरह से पहले बफ करना है। इसका सरफेस हम ड्राई करेंगे बफर के साथ। गाइस, बफ हो चुका है, अभी मैं इसके डस्ट को क्लीन कर रही हूँ अल्कोहल वाइप के साथ। अभी बारी है हमारे बेस कोट अप्लाई करने की। पतला पतला बिल्कुल हमने बेस कोट अप्लाई करना है बिफोर जेल पॉलिश। बेस कोट अप्लाई हो गया, अभी हम इसको क्योर करवा देंगे फॉर 60 सेकेंड। तो क्योर हो चुका है, अभी हमारी है जेल पॉलिश अप्लाई करने की बारी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल मैंने थिन लेयर लगा रही हूँ। फर्स्ट लेयर जो हमने लगानी है बिल्कुल हमने थिन करके लगानी है। आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी दैट हाउ टू अप्लाई जेल पॉलिश प्रॉपरली। तो हमने फर्स्ट लेयर जो है बड़े ही आराम से थिन लेयर लेके इसको लगा लिया है। अभी इसको हम क्योर करवा देंगे फॉर 60 सेकेंड्स। तो हो चुका है हमारा, अभी सेकंड कोटिंग की बारी है। सेकंड टाइम जो है हम थोड़ा सा थिक लेयर लेंगे जेल पॉलिश का, और सेकंड टाइम हमें इतनी कवरेज मिल जाती है हमारे नेल पेंट से कि हमें थर्ड कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये हमारी सेकंड कोटिंग भी हो चुकी है, अभी हम इसको क्योर करवा देंगे फॉर द 60 सेकेंड्स। सेकेंड कोटिंग भी हमारी क्योर हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अभी बारी है हमारी ब्लूमिंग जेल अप्लाई करने की। तो ब्लूमिंग जेल भी हमने बिल्कुल ही थिन लेयर इसके लगानी है। तो बिल्कुल ही मैं थिन लेयर लगा रही हूँ। तो आर्ट के लिए इसके बाद मैं निकाल रही हूँ थोड़ा सा वाइट कलर, इससे हम फ्लावर बनाएंगे। तो डॉटिंग टूल के साथ मैं अपना आर्ट करूँगी, सभी के पास ऑलमोस्ट होता है, अगर नहीं है तो आप टूथपिक भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं डॉट लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं फ्लावर बनाएंगे। तो ब्लूमिंग जेल आर्ट करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो फ्लावर है कितने अच्छे से वो स्प्रेड हो रहा है अपने आप। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको प्रॉपरली डॉट लगाने हैं, आपको पता होना चाहिए। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से स्प्रेड हो रहा है। और हम 1 सेकंड के लिए वेट करेंगे, और अभी मैं इसके ऊपर जो है राइनस्टोन लगा दूंगी थोड़ा साइड पे फ्लावर के सेंटर में। अगर आपको इसके बीच में थोड़ा गोल्डन टच देना है तो आप ग्लिटर भी लगा सकते हो। अगर आप को लीफ बनानी है तो आप लीफ भी बना सकते हैं, कोई भी आर्ट कर सकते हैं इसके ऊपर। तो अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ राइनस्टोन, एंड राइनस्टोन लगाने के बाद हम इसको क्योर करवा देंगे। फॉर 60 सेकेंड्स। सो गाइस, क्योर हो चुका है, अभी जो बारी है हमारे टॉप कोट अप्लाई करने की। तो अभी हम टॉप कोट अप्लाई कर देंगे और अच्छी तरह से सील कर देंगे जहाँ पे हमने स्टोन लगाया उसके साइड्स पे। टॉप कोट की हेल्प से हम टॉप कोट लगाने के बाद इसको हम क्योर करवा देंगे फॉर 60 सेकेंड्स। गाइस, क्योर हो चुका है, आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग एंड कितने अच्छे लग रहे हैं फ्लावर। आप भी घर बैठे इसको ट्राई कर सकते हैं, आप इसको बना सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और लाइक शेयर करना नहीं भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।